इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर झीलों की नगरी स्थित अशोका पैलेस में राजस्थानी फिल्मों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एम स्क्वायर प्रोडक्शन के बैनर तले उदयपुर से प्रोड्यूस होने वाली पहली राजस्थानी फिल्म तू दिया मैं बाती का आज पोस्टर विमोचन किया गया। फिल्म शीघ्र ही फ्लोर पर आएगी। इस अवसर पर राजस्थानी फिल्मों के निर्माता निर्देशक विपिन तिवारी ने आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि राजस्थानी फिल्मों की नई फिल्म प्रोत्साहन नीति की श्रृंखला में महिला सशक्तिकरण जैसे संवेदनशील विषय पर फिल्म तू दिया मैं बाती फिल्म का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें अन्नदाता किसान और देश की सरहद पर रक्षा करने वाले फौजी की कहानी में रिश्तों की गांठ को खूबसूरती इस नई फिल्म में पिरोई जाएगी। फिल्म की यूएसपी इसकी कहानी होगी। निर्माता मुकेश माधवानी ने जानकारी देते हुए कहा कि फिल्म का निर्माण एम स्क्वायर प्रोडक्शन के बैनर तले किया जा रहा है। फिल्म पारिवारिक रिश्तों और मूल्यों के लिए संघर्ष, बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे सैनिकों की मनोदशा और अन्नदाता किसानों की समस्याओं से रूबरू कराएगी। राजस्थानी सिनेमा के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने के लिए आज एक फिल्म का, राजस्थानी फिल्म का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये मेवाड़ की धरती पर पहले बाहुबली भी बनाई गई हमारे द्वारा, लेकिन ये इस फिल्म को बनाने की प्रेरणा हमारे उदयपुर से जुड़े हुए मुकेश माधवानी जी हैं, जिन्होंने जो लाइन प्रोड्यूसर की लाइन में इनके पिताजी भी रहे हैं काफ़ी पहले से, और उनका ये था कि फिल्म के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं और एक फिल्म बनाई जाए। हमारे जो शुभचिंतक हैं, मित्र हैं, इतिहासकार हैं, यहाँ के लोग हैं, मीडिया है, ये सब लोगों की सहयोग से, हमारे मदन नागदा जी हैं सब, तो सबके सहयोग से एक आज फिल्म जो है मैं दिया तू बाती बेसिकली कंसेप्ट है उसको है, इसके नाम में भी फिर हो सकता है क्योंकि अभी कुछ रिसर्च चल रही है। कोशिश रहेगी कि मेवाड़ की भाषा, मेवाड़ की बोली को, मेवाड़ की कल्चर, इसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। वैसे फिल्म में तो देखिए पूरा राजस्थान दिखाना पड़ेगा, हिंदुस्तान की पृष्ठभूमि है, जो युद्ध की पृष्ठभूमि है, आतंकवादी हमलों का इसमें जिक्र है, अन्नदाता जो किसान है उसका जिक्र है, महिला सशक्तिकरण की बात है, बहुत से एक ऐसी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो परिवार के साथ बैठ करके हम देख सकें और एक संस्कृति को, कल्चर को बढ़ावा मिले, पर्यटन को बढ़ावा मिले और राजस्थान सरकार की जो फिल्म पॉलिसी है उसको भी बढ़ावा मिले और लोग इसको आगे आए और हमारी अपनी भाषा को, अपनी फिल्म को देखें। ये हमारी कोशिश है जिसमें राजस्थान के जो सबसे जितने भी अच्छे कलाकार हैं राजस्थानी सिनेमा से काम करते हैं वो भी हॉलीवुड से भी कुछ चेहरे होंगे, उदयपुर से कुछ चेहरों को हम शामिल कर रहे हैं जो अपने कलाकारी के लिए या टेक्निकल के लिए जानना चाहते हैं, सबको साथ मिल करके एक प्रयास शुरू किया गया है। इसके लिए हम अपने मुकेश माधवानी जी का कि हमारी इनका जो सपना है कि फिल्म सिटी उदयपुर में बने, हमारी भी ये डिमांड ये है और ये मानता है कि उदयपुर जो प्राकृतिक संपदा पूरे देश में सबसे, राजस्थान में सबसे सुंदर है, खूबसूरत है और यहाँ पर फिल्म सिटी में बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर यहाँ बनाई जाती है, तो उसके लिए भी लड़ाई एक आज से शुरू हो गई है और हमारा ये द्वार से लड़ना है और हम इसकी अभी हमारी जो टीम है वो उदयपुर के कुछ हिस्सों में जा करके रिसर्च करेगी कि कहाँ हम स्कूल रखें, कहाँ कैसे करें, ये एक प्रयास है। जैसा कि हमारे बीच में विपिन तिवारी जयपुर से बना रहे हैं, आपने बताया कि आज नवरात्र के पावन पर्व पे एम स्क्वायर प्रोडक्शन एंड विपिन तिवारी साथ के साथ एक राजस्थानी फिल्म की घोषणा कर रहे हैं। मुझे बताते खुश है कि हमारे पूरे 150 फिल्मों के कैरियर में जिसमें प्रोडक्शन जिसमें 90% था, पहली बार संजोग से राजस्थानी फिल्म का काम करने का मौका मिला है बींग एन प्रोड्यूसर। तो मैं आप सभी उदयपुर वासियों से चाहूँगा कि आप सबका आशीर्वाद बना रहे और इस फिल्म का बींग एन प्रोड्यूसर मेरा मुख्य उद्देश्य, जैसे कि तिवारी जी ने बताया फिल्म सिटी का निर्माण चली थी, इसके साथ में कि जो यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं, जो यहाँ की लोकेशन है, उनको एक अच्छा विस्तृत मिल जाए। ऐसे में उदयपुर को काफ़ी बड़ी हॉलीवुड और बॉलीवुड में दर्शाया गया, बट एक हम राजस्थानी फिल्म के माध्यम से भी चाहेंगे कि यहाँ के कलाकार को एक अच्छा मंच, अच्छा एक मौका मिले और यहाँ की खूबसूरती को हम देश विदेश तक करें। ये लॉन्च है जैसे कि कोई
भी फिल्म बनती है तो जैसे कि 100 दिन से लेकर 1000 दिन के बीच में ऐसी पार्टी रहती है। एंड बीइंग एज अ प्रोड्यूसर मेरा ये प्रयास रहेगा कि 2 से 2.5 महीने में फिल्म की शूटिंग एडिटिंग कम्प्लीट हो जाए, उसके बाद प्रोडक्शन के बाद में जैसे ही किसी अच्छे ओटीटी चैनल से या हमारे थिएटर से बात हो जाती है उसको हम रिलीज कर देंगे। भोजपुरी सर कारण अगर हम ढूंढने जाएंगे तो बहुत सारे कारण हैं, पर अगर मैं सच बोलूँ तो जैसे आपने बताया कि भोजपुरी और मराठी फिल्म का अगर आज कोई प्रोड्यूसर पैसा लगाता है, पैसा लगाने के जिस दिन सोचता है उसी दिन से उसका पैसा आ जाता है। राजस्थानी फिल्मों में ऐसा नहीं, बट फिर भी मैं और विपिन जी तिवारी प्रयास करें कि राजस्थानी फिल्म में पैसा लगाएं, और इस पैसे का कमाना इतना उद्देश्य नहीं जितना ये कि भाई स्थानीय प्रतिभा को मौका मिले। तो ज़रूर राजस्थानी फिल्म के लिए बनाना एक संघर्ष है, बट हाँ मुझे विश्वास है कि ये राजस्थानी फिल्म बनने के बाद में उदयपुर और पूरे राजस्थान में नया आया। आपका विश्वास ही हमारी परंपरा। विनायक ज्वेलर्स लाए हैं आपके लिए एक सुनहरा अवसर। अब पाएं गोल्ड लोन से मुक्ति और पाएं अपनी ज्वेलरी का उचित मूल्य पूरी पारदर्शिता के साथ बिना किसी कटौती के। यदि आप बैंक में फाइनेंस में रखे गोल्ड को नहीं छुड़वा पा रहे हैं, आप अपना सोना नीलामी से बचाना चाहते हैं, और यदि आप गोल्ड लोन का ब्याज नहीं भर पा रहे हैं तो आज ही संपर्क करें 8875848003 8949513656। विनायक ज्वेलर्स, सोने चांदी के जेवर। 916 हॉलमार्क ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता, सिद्धि बाजार कॉर्नर, उदयपुर, राजस्थान।